जय भाई। कृपा मई करुणा की सागर ममता मई माँ जगत जननी कामाख्या शक्तिपीठ से। कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में बहुत सारी धारणाएं गलत है लोगों की। इस धारणाओं के प्रति लोगों की मान्यता तंत्र मंत्र के संबंध में है। लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तंत्र मंत्र होता है यहाँ। लोग तंत्र और मंत्र के आधार पर इस पीठ को समझते हैं कि ये महापीठ है, महाशक्तिपीठ है। यहाँ पर साधना पद्धति को बलवती किया जाता है, यहाँ मंत्र सिद्धि होती है। ये केवल और तंत्र मंत्र काला जादू ब्लैक मैजिक के लिए नहीं है, ये मनोरथ सिद्धि का केंद्र है। ये केंद्र आपकी अपनी साधना का है, आपकी अपनी आत्मसिद्धि का है, प्रकृति और पुरुष के मिलन का स्थान है ये। इसके विषय में YouTube और गूगल पे बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन प्रायः अनर्गल है। इस जानकारी के प्रति आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है जागरूक होना। प्रमुख शक्तिपीठों में से प्रथम नाम है माँ का कटी प्रदेश यहाँ है और जननी की जागृत अवस्था है यहाँ, ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत है यहाँ। ये ऐसी शक्तिपीठ है जिसे महाशक्तिपीठों में गिना जाता है। ये शक्तिपीठ के प्रति आपका आदर और आपका सम्मान और बढ़ना चाहिए। YouTube पर इसके प्रति बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, इसके ऊपर जितनी भी बातें कही गई सब व्यर्थ है। केवल काला जादू ब्लैक मैजिक जैसी वस्तु कुछ होती ही नहीं, यहाँ तो भगवती की अपनी साक्षात जागृत अवस्था है, प्रकृति और पुरुष का संपूर्ण रूप है यहाँ तो। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में इसके प्रति बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसके प्रति इतनी सारा उल्लेख है कि अगर बताने जाया जाए तो कई घंटे कम पड़ जाएंगे। अस्थित ग्रीष्म से आत कज्जलम शुद्ध पात्री सुरुतर वर्षाखा लेखनी पत्र पूर्वी लिखत यदि शारदा सर्वकारम तदम तद गुणा नाम ईशुपारम न याति। कोई बखान नहीं कर सकता। पूरे के पूरे समुद्र की दबात बनाई जाए, पहाड़ों को पर्वतों को चूर्ण करके उसमें डाला जाए, सारे तरवरों की लेखनी बनाई जाए, तब भी इसकी महिमा का गुणान बात नहीं किया जा सकता। तो इस धारणा से अपने को मुक्त कीजिए, एक बार दर्शन कीजिए, एक बार प्रयास कीजिए इस धरा पर आने के लिए। ये साधना पद्धति का प्रथम केंद्र बिंदु है। यहाँ आते ही आप जागृत हो जाते हैं, यहाँ आते ही आप ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं, यहाँ आते ही आप अपने आप को जान पाते हैं। यहाँ साधना मंत्र विज्ञान को समझने का बढ़िया स्रोत स्थान है। ये रिसर्च के लिए जाना जाना चाहिए, ब्लैक मैजिक के लिए नहीं। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ महापीठ, महाशक्तिशाली पीठ की, कामाख्या शक्तिपीठ की बात कर रहा हूँ। भगवती का बहुत बहुत अद्भुत स्वरूप है यहाँ। भाई इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएं। यहाँ आकर के जब सिद्ध करने से आपके अपने मनोरथ सिद्ध होते हैं, मान्यताएं सिद्ध होती हैं। डरने की आवश्यकता नहीं, भयभीत नहीं होते। भय से सिर्फ और सिर्फ भ्रम उत्पन्न होता है और जागरण से आपकी अपनी अवस्था मजबूत होती है। जय माई।